पिछौर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह काकाजू ने अपने स्वर्गीय पिता ठाकुर धीरज सिंह जयदेव की स्मृति में दंगल मेले का आयोजन गृहग्राम करायखेड़ा में कराया। कमलेश्वर दंगल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान अपनी पहलवानी का जौहर कमलेश्वर के अखाड़े में आजमा चुके हैं। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त जैसे बड़े पहलवान भी कमलेश्वर अखाड़े में पहलवानी का जौहर कई बार दिखा चुके हैं। इस बार भी भारत के कोने कोने से बड़े बड़े पहलवानों ने दंगल में हिस्सा लिया। कमलेश्वर दंगल में लगभग 500 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया। कमलेश्वर का दंगल देखने के लिए दूर दराज से लोग कमलेश्वर मेले में आते हैं और दंगल देखते हैं। इस बार भी कुछ विदेशी मेहमान कमलेश्वर का दंगल देखने पहुंचे। पिछौर विधायक केपी सिंह के विदेशी मित्र जो कि इसराइल देश से दंगल देखने के लिए विधायक के गृहग्राम करायखेड़ा पहुंचे। कमलेश्वर भारत केसरी का फाइनल दंगल हुआ जिसमें नोएडा से हनुमान अखाड़ा के पहलवान जोंठी ने प्रथम स्थान हासिल किया जो कि कमलेश्वर भारत केसरी बने जिन्हें 51,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। दंगल का आयोजन पिछौर विधायक केपी सिंह काकाजू ने हर वर्ष अपने पिता की स्मृति में वो कराते आ रहे हैं। मेरे पिताजी के जमाने से चल रहा है, अब कोशिश करी है कि और बेहतर से बेहतर होता जाए और साल दर साल बेहतर हो रहा है। स्टेडियम भी बन के तैयार हो गया है और हमारी कोशिश है खिलाड़ियों को अच्छे प्राइज मिले, उनको मनोबल बढ़े और उनको आगे बढ़ने का। बड़े बड़े पहलवान भी यहाँ अपना जौहर दिखा चुके हैं जो देश विदेशों में भी नाम कमाया उन्होंने, जैसे सुशील कुमार जैसे पहलवान, क्या कहेंगे आप? ये सुशील कुमार आए थे यहाँ और 2-3 साल आए, योगेश्वर दत्त भी आया और काफ़ी नामचीन पहलवान हिंदुस्तान के यहाँ लड़के गए हैं। अभी जो लड़का अभी फाइनल जो जीता है जिसका नाम जोंटी बोल रहे हैं, ये नोएडा का रहने वाला है और ये एशिया अपने जूनियर में एशिया चैंपियन थे, गोल्ड मेडल लेके आया था।